क्योंकि ये मैच ही इतना बड़ा है। और ऐसे में उस गेंद को आराम से खेला, पूरा सम्मान दिया टॉट गेंद। जानते हैं अभी शुरुआती क्षण है और इस मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में नीतीश और स्नोहित आए थे। नीतीश तो आउट होकर चले गए हैं, पर वर्ष 2016 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्नोहित इस समय अभी भी नॉन स्ट्राइक गेंद पर होंगे और उनका साथ देंगे मदित। गेंदबाजी में एक बार फिर गेंद हल्की सी लेग स्टंप पर, सचिन की गेंद। सचिन को जाना जाता है उनकी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए। पिछले मैच में सचिन के द्वारा क्या बल्लेबाजी की गई थी टीम सेंचुरी के लिए, ऐसी बल्लेबाजी की थी देखने पे मजबूर किया था, मजे आए थे। और ऐसा ही ये बल्लेबाज है, पर फिलहाल इस मरतबा जौहर दिखा रहे हैं गेंद से। गेंदबाजी में सचिन, बिल्कुल आगे की गेंद, फुल टॉस, ये गेंद फुल टॉस देकर जाएगी। फुल टॉस पर फुल टोल तो बनता ही है और बल्लेबाज ने उस गेंद को छोड़ा नहीं। गेंद जैसे ही देखा कि आगे है और ऐसे में हाथ घुमाया अपना और इस छक्के के साथ रनों का सिलसिला शुरू होता हुआ मुदित के लिए। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग किन्नौर से, कुछ लोग गोवा से, तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्ट्रीम में उस गेंद को खेला, हल्के से लेग स्टंप पर थी, अपील हो रही है, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, कोई खास असर उसका हुआ नहीं। और ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने देखते देखते अपने छोर बदल दिए। पूल सी के मैचेस शुरू हुए हैं और ऐसे में पूल सी के निरंतर आपको मैचेस देखने को मिलेंगे आने वाले दो दिनों में। और परसों के दिन आप जो है पूल डी के भी दो मैचेस देखेंगे। फिलहाल थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ, गेंदबाजी में सचिन लाइव वॉचिंग में संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और इस मैच को आप साथ में लाइव स्टाइल टीवी, सिराज का पानी और सिराज का पानी यूट्यूब चैनल सभी पर देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ लगभग 600 के करीब संख्या जा पहुंची है लाइव वॉचिंग की बात करूं सिराज का पानी में, सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और यूट्यूब को मिलाकर। और साथ में इस मैच को आप INN लाइव पे भी इस मैच को लाइव देख रहे हैं, तो काफी सारे चैनल सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप इस मैच को लाइव देख पा रहे हैं और इस मैच का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और सभी को, जिन भाइयों की अभी गुड मॉर्निंग हुई है, भाइयों गुड आफ्टरनून हो चुकी है, चलिए जिनकी गुड मॉर्निंग हुई है उनके लिए गुड मॉर्निंग कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा है उनके लिए, जो सोए लोग हैं। फिलहाल जिस तरह का अब तक खेल चला है एक अच्छा मुकाबला नजर आया है इन शुरुआती इस पहले ओवर में। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जा पहुंची है 10 रन एक विकेट के नुकसान पर टीम स्पार्टन। लाइव वॉचिंग में संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और ऐसे में लाइव स्ट्रीम टीवी पर भी काफी लोग हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक और यूट्यूब पर तो है। गेंदबाजी में देखते हैं कौन आते हैं, विकी आए हैं दूसरा ओवर लेकर अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का दूसरा, रिस्ट्रिक्शन का भी दूसरा। और ऐसे में आप लोग जो है अपने सवाल सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार भेजते जाएं, थोड़ी देर में हम सवाल लेंगे। फिलहाल इस समय ये गेंद हल्की सी छोटी थी, उस गेंद को खेला वहां पर, फील्डर मौजूद है और ऐसे में एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया हैंडल्स पर ब्लैक बॉयज रामपुर का मैच कब है ऐसा पूछ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, कल दिन के दूसरे मैच में ब्लैक बॉयज रामपुर आपके बीच होगी। स्क्रीन को पूरा सम्मान दिया स्नोहित ने। स्नोहित जो है बहुत ही समझ बूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं, खराब गेंदों को छोड़ते नहीं है तो अच्छी गेंदों को सम्मान देते हैं। शुरुआत में जरूर कुछ गेंदे लेते हैं, उसके बाद जब इनका बल्ला चलता है तो फिर रोक के रुकते नहीं है और यही उम्मीद होगी यहां पर टीम को कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। फिलहाल गेंद बिल्कुल आ गई, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स एंड इट हैज गॉन फॉर 6। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाज जब भी गेंद आगे करेगा तो बल्लेबाज गेंद की पिच तक पहुंचेगा और ऐसे में अगर बल्लेबाज गेंद की पिच तक पहुंचता है तो इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति जो है वहां पर आपको छक्का मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है।
और गेंदबाजी में एक बार फिर फुल टॉस की गेंद थी, क्या यहां पर विकेट मिलेगी? जी हां, विकेट, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ स्नोहित जो है उस फुल टॉस गेंद पर ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए। डिस्टेंस तो था पर एलिवेशन नहीं थी, अगर एलिवेशन होती तो शायद वहां पर सचिन के सर के ऊपर से वो गेंद जा सकती थी। नए बल्लेबाज आए हैं सुधांशु, अभी भी 100 ओवर की दो गेंदें बाकी बची हैं। सुधांशु आए हैं नए बल्लेबाज, गेंद वो फुल टॉस थी, और फुल टॉस गेंद पर फुल टोल तो नहीं मिला पर विकेट जरूर मिल गई। कई बार ऐसा होता है कि गेंदबाज अगर खराब गेंद भी करता है तब भी जो है कई बार विकेट मिल जाता है। गेंदबाज वहां पर उस गेंद को बिल्कुल जड़ में फेंकना चाहते थे पर एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, पर क्या लेना देना एग्जीक्यूशन से क्योंकि विकेट मिली है। और धीरे धीरे दर्शकों की जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई, गेंदबाजी में विकी एक बार फिर, बहुत ही युवा प्रतिभावान ये खिलाड़ी है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, क्विक है और ऐसे में अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम सेंचुरी 11 के लिए। सेंचुरी 11 की मैं बल्लेबाजी की बात कर रहा था, इस टीम के खिलाड़ी सचिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिस तरह की बल्लेबाजी, क्या प्योर क्लास टाइमिंग उस खिलाड़ी में है। और उसी शैली के बल्लेबाज है राघव तांटा जिनका आना बाकी अभी टीम स्पार्टन्स में। गेंदबाजी में एक बार फिर उस गेंद को हल्के से खेला, एक रन की कोशिश आसानी के साथ पूरा करेंगे, क्या शानदार गेंदबाजी हमने जरूर देखी। दो विकेट्स लिए, दो ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जा पहुंची 18 रन, दो विकेट के नुकसान पर टीम स्पार्टन्स। और सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक और यूट्यूब पर आप लोग अपने सवाल हमें भेजते जाएं, लाइव वॉचिंग में संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और इस समय फेसबुक और यूट्यूब को अगर हम मिलाएं तो हमारे साथ जो है 500 के ऊपर लाइव वॉचिंग, ये संख्या और बढ़ने वाली है क्योंकि टीम स्पार्टन्स की फैन फॉलोइंग और सेंचुरी 11 की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। गेंदबाजी में सचिन नजर आ रहे हैं, देखते हैं कौन आते हैं गेंदबाजी करने। जी हाँ, सचिन आए हैं अपने कोटे का, अंतिम ओवर लेकर पारी का होगा, तीसरा रिस्ट्रिक्शन का भी होगा आखिरी ओवर, ऐसे में इन रिस्ट्रिक्शन का क्या फायदा उठा पाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज सुधांशु, देखना दिलचस्प होगा क्योंकि दो ही खिलाड़ी बाहर हैं और ऐसे में फील्ड प्लेसमेंट को देख पा रहा हूँ तो मुझे लॉन्ग सभी खिलाड़ी जो हैं बाकी सर्कल के अंदर हैं, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ इस समय मौजूद। गेंदबाजी में सचिन, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीचे रही, वहां पर एक रन की कोशिश हो रही है, ऐसे में एक रन आसानी के साथ मिलेगा। अंपायर ने अपना हाथ ऊपर उठाया, मतलब हुआ 22, अतिरिक्त रन यह आता हुआ। बल्लेबाजी में इस समय होंगे मुदित, अच्छी बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है, एक छक्का भी लगा चुके हैं। बिल्कुल आगे की गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे, फील्डर वहां पर है और इस तरह एक और झटका लगता हुआ टीम स्पार्टन्स के लिए। गेंद आउटसाइड ऑफ थी, बल्लेबाज उसे स्लैश पर करना चाहते थे पर संपर्क बल्ले का उतना खास हुआ नहीं गेंद के साथ, और ऐसे में गेंद किनारा लेती हुई जागीर सीधी गली के हाथों में, और इस तरह लगने वाला एक और झटका टीम स्पार्टन्स को 19 के योग पर। बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है इन शुरुआती ओवर्स में, खासकर सचिन बहुत ही बेहतरीन लगे अब तक। और अर्पित कह रहे हैं आई एम वॉचिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जी हां अर्पित, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं ये भी बताते जाएं कौन से शहर से देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। और सोशल मीडिया हैंडल्स पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जहां जहां से जुड़े हैं आप लोग अपनी सिटी का नाम भेजें कि आप लोग कहां से मैच देख रहे हैं और सिराज कप का भरपूर आनंद आप लेते जाएं। क्या हुआ? बल्लेबाजी में राघव तांटा है, पिछले मैच में आपने एक 14 या 15 गेंद में वो अर्धशतक देखा होगा राघव तांटा ने, क्या तूफानी बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। और ऐसे में इस टीम के कप्तान हैं, जिम्मेवारी उठानी होगी क्योंकि 3 विकेट्स गिरे हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी डेफ्थ इस टीम में है और उम्मीद होगी कि एक अच्छे स्टार्ट की लेग स्टंप का गार्ड लेते हुए।
गेंदबाजी में सचिन। एक बार फिर इस ओवर में फुल टॉस की गेंद, उस गेंद को आराम से खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का कोई किनारा लिया है या नहीं देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल 22 के रूप में वो अतिरिक्त रन आते हुए इस गेंद को आराम से स्लाइस भर करना चाहते थे। और ऐसे में वो अतिरिक्त रन आता हुआ गेंदबाजी में एक बार फिर बिल्कुल आगे की गेंद, क्या शानदार वो शॉट। गेंद जब भी स्लॉट में होती है सुधांशु उसको कहां छोड़ने वाले थे। गेंदबाज सचिन को इस मर्तबा सोचने पे मजबूर किया। सुधांशु जानते हैं रिस्ट्रिक्शन का आखिरी ओवर है और इसका फायदा उठाना होगा, और फायदा उठाया भी। क्या बेहतरीन वो शॉट। रनों की गति में कोई कमी नहीं है, विकेट जरूर 3 गिरे हैं, पर गेंद बल्लेबाजी में जिस तरह की बल्लेबाजी सुधांशु ने अब तक की है अच्छे लगे हैं इन शुरुआती कुछ गेंदों में। उस गेंद को हल्के से खेला, एक रन की कोशिश वहां पर, देखते हैं किनारा लगा है या नहीं। और ऐसे में बल्ले से वो रन आता हुआ इस ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। 27 रन लग चुके हैं। आखिरी गेंद पावर प्ले की गेंदबाजी में सचिन बिल्कुल आगे की फुल टॉस। ये गेंद थी हल्की सी बाहर, एक रन की कोशिश, आसानी के साथ वो एक रन मिलेगा। और ऐसे में अतिरिक्त के रूप में ओवर की हुई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जा पहुंची 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम स्पार्टन्स अच्छी रन गति से रन बनते हुए। पर तारीफ करनी होगी सेंचुरी 11 के गेंदबाजों की, जिस तरह 3 विकेट लिए हैं। और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, क्योंकि टीम, दोनों ही टीमें सी पूल में बहुत ही शानदार टीमें हैं, एक से बढ़कर एक टीमें हैं। और ऐसे में ऐसे ऐसे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। 28 रन संख्या है और ऐसे में बहुत ही युवा प्रतिभावान अंपायर इस समय मिस्टर मनीष 23-24 साल इनकी उम्र है, पर बड़े बड़े मैचेस में अंपायरिंग करते हैं, रोडीज और ब्लैक बॉयज के मैच में। ऐसे मैचेस में ये अंपायरिंग करते हैं, बहुत ही युवा प्रतिभावान है। और ऐसे में इस मैच में भी एक प्रेशर भरा मुकाबला होगा, दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार है। गेंदबाजी में नीरज आए हैं, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर पारी का होगा चौथा ओवर।